साथियों, जब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 173 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे इसरो को चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू करना पड़ गया और इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा को भी बदल दिया। इस घटनाओं के साथ एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 की ओर हो गई हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इसरो को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया, आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो का पहले से निश्चित किया हुआ एक काम था जिसे इसरो ने अंजाम दिया था और इसरो के वैज्ञानिकों को पहले से ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता था। इसका कारण जानने से पहले आपको अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ बातें जाननी होंगी, तभी आप इसरो के ऐसा करने के पीछे का राज समझ पाएंगे। असल में दोस्तों, जब भी कोई यान पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है तो वो सीधा अपने लक्ष्य तक नहीं जाता, बल्कि सबसे पहले वो अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कभी वो पृथ्वी के बहुत नजदीक चला आता है तो कभी बहुत दूर चला जाता है। जब वो पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है तो उस समय पृथ्वी की सतह और उस यान के बीच में जितनी दूरी रहती है उसे पेरिगी कहते हैं, और जब वह पृथ्वी से बहुत दूर होता है तो उस समय पृथ्वी की सतह और उस यान की जितनी दूरी रहती है उसे एपोजी कहा जाता है। अगर आपने 2019 में आई अक्षय कुमार की मिशन मंगल देखी होगी तो आप पेरिगी और एपोजी को आसानी से समझ पा रहे होंगे। जब आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का चंद्रयान 3 से क्या लेना देना, तो हम आपको बता दें कि 14 जुलाई को हुए चंद्रयान 3 के लॉन्च में फैट बॉय यानी कि LVM3-M4 रॉकेट लॉन्च के करीब 17 मिनट बाद चंद्रयान 3 से अलग हो गया था। इन 17 मिनट में ही फैट बॉय ने चंद्रयान 3 को उसकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया था। लेकिन ये कक्षा आखिर थी कौन सी और इसकी पेरिगी और अपोगी क्या थी? तो दोस्तों, फैट बॉय ने चंद्रयान 3 को जिस कक्षा में पहुंचाया था उस समय उसकी सबसे कम दूरी यानी पेरिगी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी यानी एपोगी 36,500 किलोमीटर थी, और तब चंद्रयान 3 इसी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर जाने के लिए बनाया गया था, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। तो साथियों, अगर हम चाहते हैं कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की परिक्रमा करना छोड़कर अपनी चांद की यात्रा शुरू कर दे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर करना होगा। इसके लिए इसरो एक खास तरीके का प्रयोग करेगा जिसमें वो धीरे धीरे चंद्रयान 3 की कक्षा को बड़ा करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो कक्षा इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और चांद की ओर बढ़ने लगेगा। यानी चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान पृथ्वी से काफी दूर और चंद्रमा के नजदीक होगा, जिसके बाद हमारा चंद्रयान पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा की परिक्रमा करना लगेगा, और इसी चक्कर में चंद्रयान और चंद्रमा के बीच की दूरी मैक्सिमम होगी, जिसके बाद चंद्रयान की यह परिक्रमा धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जिसमें चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी महज 30 किलोमीटर होगी, जिसके बाद चंद्रयान 3 को चंदा मामा की धरती पर उतारा जाएगा। लेकिन साथियों, यह काम जितना हमें सरल लग रहा है इतना सरल नहीं है, इसमें कई रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आइए इसे थोड़ा और ढंग से समझते हैं। दोस्तों, अपने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि चंद्रयान 3 तो अभी अंतरिक्ष में है, फिर इसरो इसकी कक्षा को बदलेगा कैसे? तो आइए हम आपको पहले इसका जवाब दे देते हैं। दरअसल इसरो को पहले से ही इन सभी बातों का पता था, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा और कक्षा बदलने के लिए उसमें थ्रस्टर्स लगाए थे। इन थ्रस्टर्स को चालू करके इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और उसे अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के अंदर छोड़ा गया था, तो उस समय वो 170 किलोमीटर पेरिगी और 36,500 किलोमीटर अपोगी पर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, और तभी इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स चालू कर दिए गए। इस समय इसरो चंद्रयान 3 के कक्षा बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा था, जिसे अंग्रेजी में अर्थ बाउंड फिरिंग कहते हैं। इसकी पुष्टि इसरो ने 15 जुलाई 2023 को किया अपने ट्वीट में। इसरो ने अपने ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 की अर्थ बाउंड फीरिंग 1 को सफलता के साथ पूरा किया जा चुका है और चंद्रयान 3 में लगे सभी उपकरण बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। अर्थ बाउंडिंग फीरिंग 1 के बाद चंद्रयान 3 की पेरिगी 170 किलोमीटर से बढ़कर 173 किलोमीटर हो गई, वहीं इसकी अपोगी 36,500 किलोमीटर से बढ़कर 41,762 किलोमीटर हो गई है।
इसरो प्रमुख ने बताया कि अपनी पूरी यात्रा के दौरान 5 बार चंद्रयान की कक्षा बदली जाएगी। 17 जुलाई को किए गए ट्वीट में इसरो ने बताया कि इसरो ने सफलता के साथ चंद्रयान 3 को दूसरे अर्थ बाउंड फेयरिंग 2 को भी कर लिया है। इसी के साथ साथ अब चंद्रयान 3 226 किलोमीटर की पैरगी और 41,600 किलोमीटर की अपोगी पर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा है। इसरो ने 18 जुलाई को किए अपने ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 की अर्थ बाउंडिंग फेयरिंग 3 को भी सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान 3 अब अपनी तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। अपने इस तीसरी कक्षा में चंद्रयान 3 की पैरगी 228 किलोमीटर और अपोगी 51,400 किलोमीटर है, जिस पर यह वर्तमान में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। साथ ही इसरो की तरफ से यह भी बता दिया गया कि चंद्रयान 3 को 20 जुलाई दोपहर के 2:03 पर उसकी चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। इसरो की तरफ से पूरा ध्यान चंद्रयान 3 की अपोगी को बदलने में लगा हुआ है। इसरो इसे पृथ्वी से ज्यादा दूर भेजना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो का मकसद 31 जुलाई के पहले चंद्रयान 3 को पृथ्वी से कम 1,00,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाना है, जिसके बाद चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी ऑर्बिट यानी कि एक लंबी दूरी वाली कक्षा में भेजा जाएगा। इस लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी ऑर्बिट में चंद्रयान 3 5 दिनों तक यात्रा करेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पर चंद्रयान 3 के प्रपल्सन सिस्टम को चालू किया जाएगा और इसको थ्रस्टर्स की मदद से चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। शुरुआत में चंद्रयान 3 चांद की परिक्रमा को 100x100 किलोमीटर वाली गोल कक्षा से शुरू करेगा, फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसरो के द्वारा इसकी दूरी को घटाया जाएगा। 17 अगस्त को पेलोड लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और उसके बाद लैंडर और रोवर को चांद की अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा, जिसकी अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर होगी। इस कक्षा में आने के बाद हमारा पहला काम चंद्रयान 3 की गति को कम करना होगा। इसके लिए चंद्रयान 3 में लगे हुए थ्रस्टर्स को इसकी गति के उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और 23 अगस्त को वो दिन आएगा जब हमारे भारत का ये यान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग रास्ते की भी खोज की है। लैंडर और रोवर को पहले ही से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिससे चंद्रयान 2 जैसी किसी भी गलती से बचा जा सके। साथ ही चंद्रयान 3 इसरो के मून प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जिसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए और चांद के ध्रुव पर शोध करने के लिए लॉन्च किया गया है। साथियों, अब हम सब भारतवासियों की बेसब्री के इंतजार के बाद चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसमें मिशन पेलोड में एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया। लैंडर का नाम विक्रम है, वहीं रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडर का मुख्य काम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिसके बाद रोवर बाहर निकलेगा और चंद्रमा की धरती पर रिसर्च करेगा। साथियों, रोवर को चांद की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोग और शोध करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को अपने फैट बॉय के नाम से जाने जाने वाले LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसरो के इस लोकप्रिय रॉकेट ने 100% सफलता के साथ चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां, जिन्हें आपको और हम सब भारतीयों को जानना जरूरी है। अगर आप भी चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।